जहां दिल्ली में राज्यसभा सीटों को लेकर घमासान मचा है, वहीं आम आदमी पार्टी के दो उम्मीदवार संजय सिंह और सुशील गुप्ता, ये दोनों आज निर्वाचित हो जाएंगे। राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचन है और इनका नामांकन भी सही पाया गया था, लेकिन जो मसला अटका है वो एनडी गुप्ता के निर्वाचन पत्र पर, नामांकन पत्र पर अटका हुआ है, उसको लेकर आज फैसला आएगा। लेकिन दो उम्मीदवार संजय सिंह और सुशील गुप्ता दोनों आज राज्यसभा के लिए निर्वाचित हो जाएंगे, निर्विरोध निर्वाचन है ये। और तीन सीटें दिल्ली की थी और तीनों सीटों पर आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवार घोषित किए थे। हमारे सहयोगी तरुण कालरा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तरुण, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? दो उम्मीदवार आज तो निर्विरोध निर्वाचित हो जाएंगे, तीसरे उम्मीदवार पर पेच अटका हुआ है। बिल्कुल, करीबन 11:30-12 बजे के आसपास रिटर्निंग ऑफिसर निधि श्रीवास्तव ने संजय सिंह को बुलाया है, उनको निर्वाचित घोषित किया जाएगा। और 3:30 बजे के आसपास सुशील गुप्ता को बुलाया गया है और उनको सर्टिफिकेट दिया जाएगा कि आप राज्यसभा के लिए चुने जा चुके हैं। और जो तीसरा उम्मीदवार है एनडी गुप्ता, वो भी इस समय आरओ ऑफिस में ही है, क्योंकि दिल्ली कांग्रेस ने उनके खिलाफ एक पिटीशन दाखिल की थी कि वो लाभ के पद के ऊपर है, लिहाजा उनका कैंडिडेचर कैंसिल किया जाना चाहिए। एनडी गुप्ता अपनी तरफ से तर्क दे रहे हैं और अब दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद आरओ क्या फैसला लेता है इसके ऊपर सबकी निगाहें होंगी। जाहिर सी बात है कि कांग्रेस इसको एक बड़ा पॉलिटिकल मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है और ये प्रचारित करने की वहां से कोशिश हो रही है कि एनडी गुप्ता बीजेपी के कैंडिडेट हैं और अरुण जेटली के साथ उनकी नजदीकी के कारण ही उनको टिकट दिया गया है। तो बिहाइंड द स्क्रीन आम आदमी पार्टी और बीजेपी के अंदर राज्यसभा सीट को लेकर सांठगांठ हुई है। उनका कैंडिडेचर अगर कैंसिल होता है तो ये आम आदमी पार्टी के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं होगा। हालांकि ये बात बिल्कुल सही है कि आम आदमी पार्टी का ही कैंडिडेट चुना जाएगा अगर बाद में भी जब नॉमिनेशन का नोटिफिकेशन होगा, लेकिन पहला चीज ये साबित हो जाए जो कांग्रेस के आरोप हैं वो उनको राजनीतिक तौर पर प्रचारित करने की कोशिश करेगी और कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी में सांठगांठ है, और दूसरा एक बार से फिर से पार्टी के अंदर से वो स्वर बुलंद होने शुरू हो जाएंगे कि अब जब दूसरा मौका मिला है तो किसी पार्टी के व्यक्ति को ही टिकट क्यों ना दिया जाए, और फिर से अब विवाद शुरू हो जाएंगे कि किन नामों के ऊपर चर्चा होगी, फिर एनडी गुप्ता को ही आम आदमी पार्टी फिर से उम्मीदवार घोषित करेगी। लेकिन अभी इंतजार करना होगा आरओ के डिसीजन का। बिल्कुल तरुण, जिस तरह से एनडी गुप्ता ने कहा कि मैंने 29 दिसंबर को ही अपने उस पोस्ट ट्रस्टी की पोस्ट से इस्तीफा दे दिया था, कितना मजबूत लग रहा है उनका यह दावा? देखिए, आरोप अपनी जगह है, उनके तर्क अपनी जगह है जो एनडी गुप्ता ने दिए हैं कि 29 तारीख को उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया था और जो ट्रस्ट है जिसके ऊपर कांग्रेस लाभ के पद का आरोप लगा रही है वो ट्रस्ट लाभ के पद से बाहर है, ये एनडी गुप्ता का तर्क है। डिसीजन आरओ को लेना है। ये बात तय है कि ये कोई ऐसा रफा दफा करने वाला मामला नहीं है, ये ठोस आधार के ऊपर कांग्रेस ने अपनी पिटीशन फाइल की है। अगर ऐसा ना होता तो हो सकता था कि आरओ अपने लेवल पर ही कंप्लेंट को खारिज कर देता, पिटीशन को ड्रॉप कर देता, लेकिन चुनाव आयोग को भी लग रहा है कि इसके ऊपर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए, लिहाजा अपने सुपीरियर अथॉरिटी से भी चुनाव आरओ ने कंसल्टेंसी जरूर ली होगी, उनसे राय मशवरा जरूर किया गया होगा। अब जब वो फैसला सामने आएगा तो ये बात पुख्ता हो जाएगी कि जो कांग्रेस के आरोप थे ये लाभ का पद है वो सिद्ध हो चुका है।